हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी पाउडर का। इसको एल एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है और ये मेरे पास है लैलसन्स ब्रांड का विटामिन सी पाउडर। और ब्रांड में भी आते हैं, कोई कोई पाउडर इरेवल भी होता है, अगर आप सूप या दाल वगैरह में डालकर इंटेक भी कर सकते हैं, बट ये वाला पाउडर इरेटेबल नहीं है। यहाँ पर मैंसन किया हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और विटामिन सी पाउडर से आप घर पे ही सीरम्स क्रीम बना सकते हैं। जो मार्केट में महंगी महंगी सीरम क्रीम मिलती है, वही वाला इफेक्ट आपको घर में बना के भी मिल सकता है। एंड मैं विटामिन सी पाउडर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि न्यू वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंची रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी के बेनिफिट की। तो विटामिन सी स्किन को कोलाजन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्किन में चमक बनी रहती है और डेड सेल को रिमूव करता है, स्किन को साफ करता है। अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे की समस्या, हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या, उसे भी कम करता है। फाइन लाइन्स रिंकल्स को कम करता है। अगर आप फाइन लाइन्स रिंकल स्टार्ट होने से पहले विटामिन सी यूज़ करते हैं तो वो उसको भी डिले करते रहता है। और सन के जो अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से स्किन लाल पड़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में जुड़ी समस्याएँ होने लगती है। तो विटामिन सी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट की किरणों को असर को कम करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। स्किन अगर अनइवन टोन स्किन है तो उसको भी इवन करने में हेल्प करता है। और जैसे स्किन को ब्राइटन लुक देना है, विटामिन सी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसका ब्राइटन अप करना चाहते हो, अगर स्किन डल हो गए, उसे में विटामिन सी उसके लिए वरदान है। अगर स्किन लाइटन अप की बात करें, तो अगर आपको एक से दो शेड स्किन लाइटन अप करना है तो विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विटामिन के रूप में क्रीम या आप कोई विटामिन सी नेचुरल इंटेक भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चाहे फल हो या सब्जी के रूप में आप ले सके तो उससे बहुत ही अच्छा है। एंड बहुत सारे डीआईवाई आपने भी देखा होगा विटामिन सी सीरम बनाने के, तो सीरम में आप भी इस टाइप का पाउडर यूज करते हैं तो एकदम ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट करता है आपके स्किन पे। बट आप पाउडर नहीं है तो आप टैबलेट यूज कर सकते हैं। एक आती है लिमसी, दूसरी आती है सेलिन। लिमसी फेस में अप्लाई करने के लिए सही नहीं है, उसमें शुगर का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन इरिटेट कर सकता है। सेलिन आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये पाउडर 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है भी है ग्लोइंग एंड स्पॉटलेस एक्ने फ्री स्किन के लिए। एंड ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है ये, और MRP है 499 रुपीज़, बट ये आपको ऑनलाइन काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, अप्रोक्स 200 या 250 तक। जब मैंने लिया था ये 299 रुपीज़ में लिया था, और ये आपको इसको कूल और ड्राई प्लेस में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, और इसे आप डार्क प्लेस में ही रखें, क्योंकि अगर आप इसे ठीक से टाइट डब्बे या पाउच में भी रखें तो इसको टाइट बंद करके ही रखें, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने के चांस रहते हैं। एंड मैं आपको ये पाउडर दिखा देती हूँ। ये फाइन नमक जैसा दिखेगा, पाउडर ही है बट ये थोड़ा सा दरदरा है। एंड इसकी प्राइस आपको एक बार जरूर थोड़ी कॉस्टली लगेगी, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता है और इसकी सेल्फ लाइफ ये 3 ईयर्स की मिलती है ये। और जो आपके महंगे महंगे सीरम भी 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे आप 10 दिन के लिए सीरम को बना के रख सकते हैं और ये इफ़ेक्ट वही देगा जो आपके महंगे सीरम देते हैं। और इसे आप किस कॉन्सेंट्रेशन में सीरम बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम DIY विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं तो इसे 1/2 टीस्पून से भी कम यूज़ करें, उसके बाद धीरे धीरे इस पाउडर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। एंड विटामिन सी सीरम और क्रीम की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।